नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन छात्रों के लिए जो इस बार यूपी पॉलिटेक्निक से और सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसने जो हमारी डेट शीट है वो बहुत दिन पहले जारी कर दी थी। जैसा कि जो डेट शीट है उसमें साफ साफ लिखा कि जो आपके एग्ज़ाम है वो मंडे से, यानी कि इसी मंडे से, यानी कि 3 तारीख से, ठीक है, सॉरी चार वाला 3 तारीख से, मतलब ट्यूसडे से, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, रिजल्ट मतलब जो हमारी डेट शीट है क्या वो वही रहेगी, एग्ज़ाम बढ़ेंगे तो नहीं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपके एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई पोस्टपोन की कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक कन्फर्म न्यूज़ लेके आया हूँ, एक पुख्ता जानकारी लेके आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी उन छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 2K हो जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, अच्छा सा स्पेशल सा, ठीक है। तो अब वीडियो पे आते हैं। तो एक हमारे विशाल मिश्रा जी, एक ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि अगर पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम 7 जनवरी से नहीं होने हैं तो जिम्मेदारों को इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि करनी तारीख बतानी चाहिए। ये तनाव में रहना ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, इस बात को आगे बढ़ाइए। जावेद मुस्तफ़ा भाई, मतलब जो विशाल सर है हमारे, इन्होंने बताया कि अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है 3 तारीख से, ठीक है, मतलब 7 जनवरी से एग्ज़ाम अगर सॉरी 7 जनवरी से एग्ज़ाम अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए कि डेट शीट क्लियर कर दीजिए या डेट शीट को बता दीजिए कि डेट शीट कब आएगी, कैसे क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका रिप्लाई जावेद मुस्तफ़ा सर जी ने दिया है, लिखा कि इससे सहमत हूँ, कल बात करता हूँ बोर्ड से, मुझे लगता है 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच संशोधित शेड्यूल आ जाएगा। देखो, एक चीज़ कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा 7 तारीख से, ठीक है। 3 तारीख मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें PG डिप्लोमा की भी आपके साथ डेट शीट आई है, वो भी UPBT से है, तो उनके 3 तारीख से भी स्टार्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 तारीख बोला। लेकिन जो डिप्लोमा सिर्फ डिप्लोमा कर रहा है उनके साथ से ही है, ठीक है। तो जावेद मुस्तफ़ा सर जी के अकॉर्डिंग और जो हमारी लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख से नहीं होगा और PG डिप्लोमा का 3 तारीख से नहीं होगा, क्योंकि उसका रीज़न है, देखो अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आ पाए हैं, ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड आएंगे उसमें टाइम लगेगा, और बाकी एक बीच में संडे है, ठीक है, कल हमारा एक बीच में संडे पड़ेगा, फिर बहुत सारी मतलब महीने का लास्ट चल रहा है, 31 आ जाएगी, फिर 31 का बहुत सारे बच्चे इधर उधर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 तारीख से नहीं होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जो आपकी संशोधित जो डेट शीट है, ठीक है, जो आपकी न्यू जो फाइनल डेट शीट है वो 31 यानी कि कल और परसों, शनिवार मतलब आज शुक्रवार है, शनिवार या फिर सोमवार को संशोधित कर दी जाएगी, ठीक है। 1 तारीख को अवकाश, अगर 1 को नहीं होती तो 2 को तो 100% संशोधित कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी जानकारी नहीं होगी वो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ, टाटा बाय बाय।